नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योति गोस्वामी। हाथरस के श्री रामेश्वर दास अग्रवाल कन्या महाविद्यालय हाथरस में बीएड की परीक्षा का चार महाविद्यालयों का सेंटर। चौधरी गुलाब सिंह महाविद्यालय मानिकपुर जलीसर के छात्रों पर प्रवेश पत्र न होने पर नहीं दिया बीएड की परीक्षा में प्रवेश। महाविद्यालय के सामने सड़क पर विद्यार्थी। चौधरी गुलाब सिंह महाविद्यालय मानिकपुर जलीसर की वजह से छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़। मौके पर पुलिस प्रशासन का छात्रों से किया संपर्क, समस्या का समाधान करने का किया गया प्रयास। ये आरटी कॉलेज के सामने बैठी है, आप क्यों बैठे? क्योंकि हमको एडमिट कार्ड नहीं दिया जा रहा है और हमको बोला गया था कि कॉलेज पे आके तुमको तुम्हारा एडमिट कार्ड मिलेगा, लेकिन हमको यहाँ पे मना कर दिया गया। डॉक्टर गुलाब सिंह चौधरी, अरे ये हाथरस में आगे अलीगढ़ में है। नहीं, अब कैसे पेपर होगा? तो अभी वही हम लोग बैठे हैं और बोल रहे हैं कि अभी आएगा लेकिन नहीं आ रहा है। हमको बोला गया था कि कॉलेज के आना सेंटर पे आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, लेकिन वहाँ पे भी नहीं मिल रहा है। उस कॉलेज वालों ने बोला था कि कॉलेज सेंटर पे आके तुम लोगों को तुम्हारा एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ये लोग बोल रहे हैं नहीं दे, क्या नाम बोला? रमेश कुमार ने पैसे लिए हैं, वो बोल रहे थे। हाँ, रमन महिपाल भी है, रमन भी है, ये सब पैसे लिए हैं कॉलेज के माध्यम से। ये दलाल है क्या? जी दलाल है, दलाल है। ये कॉलेज वाले नहीं अंदर जाने दे रहे हैं बिना एडमिट कार्ड का। जी बिना एडमिट कार्ड। रहीम पाल, रमन कुमार, महिपाल और रमन कुमार, ये लोग दलाल है, पैसा लेकर एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं। गुलाब को वाली कॉलेज है, चौधरी गुलाब सिंह कॉलेज है। हाँ सर, चौधरी गुलाब सिंह सर, 15,000 दे के हम लोग एडमिशन लिया था। हम लोगों से बोला गया था कि स्कॉलरशिप आएगा और हम लोग एडमिशन देंगे। क्या सर दिक्कत सर ये आ रही कि हम लोग को एडमिट कार्ड नहीं दिया जा रहा है। हम लोग को मतलब सुबह, हम लोग कल से आए हैं, कल से परेशान कर कि यहाँ दे देंगे वहाँ दे देंगे। कॉलेज वाले तो बोल रहे हैं कि आ जाओ एडमिशन वहाँ पे ले लो, लेकिन सर हम लोग जब एडमिशन लिया था तो हम लोग तो कॉलेज आए नहीं थे, एडमिशन ले लिया। अगर बोल रहे कि दलाल से मतलब नहीं है, दलालों के थ्रू तो एडमिशन लिया और बोल रहे दलालों से हमसे मतलब नहीं है। हम मिर्जापुर से आए हैं जी। आप परीक्षा व्यवस्थापक हैं जी, किस तरह की परीक्षा आज शुभारंभ की गई? शुभारंभ की गई हमारी OMR शीट से हुई थी, बहुवैकल्पिक प्रश्न पत्र से। तो चार सेंटर हमारे यहाँ अलॉट हुए हैं, उनकी परीक्षा प्रारंभ हुई थी 2 बजे से लेके 3:30 तक। करीब कितने बच्चे? लगभग 497 बच्चे हैं जी। अब उनमें अभी कितने प्रेजेंट हुए हैं ये तो पता नहीं है, क्योंकि आई नहीं है भाई एबसेंटी स्टेटमेंट। मैडम कुछ बच्चे जो रह गए हैं बिना होल टिकट के जी, वो आरोप लगा रहे हैं कि हमें होल टिकट नहीं दिया गया है जी, तो कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया जा रहा जी, क्या कहना चाहिए? सर इसमें हमारा लेना देना कोई नहीं, हमें खाली अलॉट किए गए कॉलेज। ये तो जो उनका कॉलेज जहाँ से इन्होंने फॉर्म भरा था उन्हें होल टिकट देने का दायित्व है, तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये बच्चे वही हैं या कोई इनके जगह कोई और आया देने, इसकी वजह से हम लोगों ने रोक रखा है। हाथरस के आज RD कॉलेज में चार महाविद्यालयों का BEd की परीक्षा हेतु सेंटर पड़ा है, जिसमें एक विद्यालय है चौधरी गुलाब सिंह, जो मानिकपुर महाविद्यालय से छात्र करीब 90 के करीब छात्र हैं, परीक्षा से वंचित रह रहे हैं क्योंकि उनके एडमिट कार्ड नहीं मिल पाए हैं कॉलेज की तरफ से। छात्र छात्राओं का आरोप है जिनके द्वारा हमारी परीक्षा जो एडमिशन दिलवाया गया था उनके द्वारा आज हमारे स्कूल पर ही एडमिट कार्ड प्रोवाइड कराने थे, लेकिन इसके प्रोवाइड नहीं हो पाए जिसकी वजह से आज इनकी परीक्षा वंचित हो रही है। आज इनको सड़क पर बैठना पड़ा, पुलिस को भी आना पड़ा मौके पर, और स्कूल प्रशासन का कहना है कि जब तक इनके पास एडमिट कार्ड नहीं है हम इनको प्रवेश कैसे दें। हाथरस से देव का TV30 न्यूज। अब आपका पसंदीदा चैनल TV30 इंडिया उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्मों के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। अपनी क्षेत्रीय खबरों के लिए आज ही डाउनलोड करें TV30 इंडिया का एंड्रॉइड ऐप एवं जुड़े रहें TV30 इंडिया के साथ। आप देख रहे हैं TV30 इंडिया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।